गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटो बनाई गई इसकी है, दो फोटो बनेगी। एग्जैक्टली एक रूट जीरो और तीन के बीच में चाहिए, एग्जैक्टली एक रूट जीरो और थ्री के बीच में चाहिए। अगर टाइप वाइज बात करें तो टाइप फाइव का क्वेश्चन है, अगर टाइप वाइज बात करें तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप फाइव। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन जीरो एंड थ्री, या तो ऐसी पॉसिबिलिटी है या फिर इस तरह की कंडीशन, एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ थ्री लेस देन जीरो। एफ ऑफ जीरो डाला, क्या बचा, टू ए। एफ ऑफ थ्री सिक्स माइनस ए लेस देन जीरो। लीडिंग कॉफिशियंट नेगेटिव, ए का कॉफिशियंट नेगेटिव है, क्या करूं, माइनस मल्टीप्लाई ए इंटू ए माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। टू का तो कोई मतलब ही नहीं है, टू से डिवाइड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट जीरो और सिक्स, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव ऑल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। आंसर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन यूनियन सिक्स ओपन टू इन्फिनिटी। टाइप फाइव के अंदर एक नोट भी लिखाया गया था, चेक फॉर बाउंड्री पॉइंट्स, चेक वी चेक सेपरेटली फॉर बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स के लिए कैसे चेक किया जाता है, केस वन ध्यान दीजिए, अगर एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाए तो, मतलब एक रूट अगर जीरो, किस सिचुएशन के लिए मैं चेक कर रहा हूं ये भी समझ लो पहले, मैं इस सिचुएशन के लिए चेक कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो। इस केस में भी एग्जैक्टली एक रूट ओपन जीरो से थ्री के बीच में है या नहीं है, है या नहीं है, कौन सा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा है भाई, दूसरा एग्जैक्टली एक रूट ओपन जीरो से तीन के बीच में है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर जीरो हो गई, एफ ऑफ जीरो कितना था, टू ए, टू ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, ए इज इक्वल्स टू जीरो, पुट ए इज इक्वल्स टू जीरो बैक इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। चेक करने का तरीका ढंग से समझ लो, इस ए इज इक्वल्स टू जीरो को मैंने वापस से उस इक्वेशन में रख दिया है, क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो, इसकी रूट्स निकाले जीरो और वन। मैंने अपने दिल से पूछा क्या एग्जैक्टली एक रूट ओपन जीरो से थ्री के बीच में है, दिल ने क्या कहा, यस नो, जल्दी बोलो, क्या एग्जैक्टली एक रूट ओपन जीरो से थ्री के बीच में है, है ये वाला है, ये नहीं है, कोई बात नहीं, एक तो है ना, एक ही चाहिए था, क्लियर है क्या, फेवरेबल सिचुएशन या नॉन फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल यानी कि ए इज इक्वल्स टू वन, सॉरी ए इज इक्वल्स टू जीरो आंसर का पार्ट होना चाहिए। कुछ समझ में आया क्या, केस टू, अगर एफ ऑफ थ्री जीरो हो जाए, एफ ऑफ थ्री जीरो हो जाए मतलब मैं ऐसी सिचुएशन देख रहा हूं, तलाश कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि एक रूट तीन हो जाए, दूसरा रूट जीरो से तीन के बीच में आ जाए, समझ रहे हो क्या, एफ ऑफ थ्री मतलब कितना आया था, सिक्स माइनस ए बराबर जीरो, ए की वैल्यू कितनी, सिक्स, मैंने फिर से ले जाके वापस रखी किस में, इक्वेशन में, क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो, एक्स के दो रूट आए, एक थ्री और एक फोर। मैंने अपने दिल से पूछा क्या एग्जैक्टली एक रूट जीरो से तीन के बीच में आ रहा है, जवाब आया नहीं, एक तीन है दूसरा बाहर है, क्लियर है क्या, अरे समझ रहे हो, इसका मतलब ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, अगर फेवरेबल नहीं है तो इसका मतलब ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू सिक्स। कुछ समझ में आया नहीं आया, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज यूनियन सिक्स ओपन टू इन्फिनिटी। ये केसेस चेक करने का फायदा क्या हुआ, जीरो पर क्लोज हो गया। एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा यहां पे, छोटी सी, सुनो, यहां लिखेंगे इफ और यहां लिखेंगे आंसर। इफ मैं लिख रहा हूं, आंसर आपको लिखना है, सुन लो, अगर क्वेश्चन में
इफ क्वेश्चन हैड, हैड मतलब ओपन जीरो से थ्री की बजाय, सुन लो, ओपन जीरो से थ्री की बजाय क्वेश्चन में क्लोज जीरो से थ्री होता, क्वेश्चन में क्लोज जीरो से थ्री ओपन होता, क्वेश्चन में ओपन जीरो से थ्री क्लोज होता। क्वेश्चन समझ लो फिर से वापस ढंग से क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने ये क्वेश्चन जो लिखा था, फाइंड ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन ओपन जीरो टू थ्री, ओपन जीरो टू थ्री की बजाय अगर क्वेश्चन में क्लोज जीरो टू थ्री क्लोज, क्लोज जीरो टू थ्री ओपन या जीरो ओपन टू थ्री क्लोज होता तो इसके आंसर में कोई परिवर्तन आता या नहीं आता। आपको हिंट इतनी मैं दे देता हूं कि सबके आंसर माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन सिक्स से इन्फिनिटी तो है ही नहीं आ रहा समझ में, तो आपको क्या डिसाइड करना है, क्लोज ओपन बस। उसमें भी दो ओपन तो मैंने ही लगा दी, देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी वाले, आपको तो मुझे सिर्फ जीरो और सिक्स पे बताना है कि कहाँ पे ओपन है और कहाँ पे क्लोज है। एक भी पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाना क्योंकि सॉल्यूशन पूरा हो चुका है, नहीं आया समझे, अरे क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है आपके सामने, आपको सिर्फ यहाँ पे ओपन और क्लोज लगाने बस, पहले में दोनों में क्लोज होगा, इधर क्लोज होगा इधर ओपन होगा, क्यों भाई, क्योंकि इस, हाँ क्योंकि इस केस में दोनों ही रूट इस इंटरवल में आ रहे हैं, जबकि मुझे एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में लाना है, समझो बात को यार। इस पोजीशन, इस वाले सिचुएशन में तीन और चार रूट आए, इनमें से कितने रूट इस इंटरवल में है, एक, कौन सा, तीन। अगर एग्जैक्टली एक रूट होगा तो मेरे लिए फेवरेबल है, नहीं तो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, समझे नहीं समझे, इसलिए सिक्स पे क्लोज आया जीरो पे ओपन आया, क्लियर है क्या। वैसे तुक्के मारोगे मतलब नहीं, कॉपी में खुद के बना लो, खुद बनाओ पहले भाई, तुक्का मार मार के तो गड़बड़ करते हो फिर तुम लोग। अबे ढेंचू, नहीं समझा जैनल जी, डन बोलो, दोनों ओपन क्योंकि इस केस में दोनों रूट आ रहे हैं इसमें, और इस केस में एक भी नहीं आ रहा इसलिए दोनों अगेंस्ट है, इसमें इस पे क्लोज इस पे भी क्लोज, दोनों केस में एग्जैक्टली एक रूट उस इंटरवल में आ रहा है। परफेक्ट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल, उसे आप कह सकते हैं कि वो टाइप थ्री का क्वेश्चन है, नहीं टाइप, हाँ थ्री का है, नहीं फोर का है शायद, पता नहीं कौन से टाइप का है, हाँ फोर का ही है, फोर का ही है ना, क्या है फाइव पे, क्या है ओपन, फाइव टू ट्वेंटी फोर ओपन, एक आंसर आया भाई अब तक, फाइव ओपन टू ट्वेंटी फोर ओपन, अगर सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सी बात है, लड़ना चाहते हैं तो फिर से मार्केट में आए। कृष्णा जी आप क्या बोल रहे हैं, यही है, एक्सेप्ट फाइव, माइनस इन्फिनिटी से 24, एक आंसर और आया भाई, माइनस इन्फिनिटी से 24 एक्सेप्ट 5, गुड। यस सर, 5 टू 24, हाँ भाई 5 टू 24 के सपोर्टर ज़्यादा आ रहे हैं भाई, चलो बढ़िया है। तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी 24, पांच तो हटाना ही पड़ेगा, बेशरम बे आया, क्वाड्रेटिक काम बनेगी ये, हाँ क्या होता है, हाँ जी सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कोई भी सही नहीं कर पाया है, फोटो कैसी बनेगी इसकी, एक रूट वन से छोटा और दूसरा टू से
बड़ा, यानी कि वन और टू लाइज बिटवीन द रूट्स. देखो वन एंड टू लाइज बिटवीन द रूट्स. अरे यार मैंने ऐसी फोटो कैसे बना दी? ओ माय गॉड. सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले के माइनस आई से डिवाइड करना पड़ेगा. उप्स, किसी को याद नहीं रहा? याद रहा है? पहले इसे डिवाइड करेंगे, फिर इसे एफ एक्स मानेंगे. हाँ अब ठीक है. ऐसा क्यों किया हमने? लीडिंग कॉफिशियंट हमेशा पॉजिटिव है. चक्करबाजी नहीं रहे जबरदस्ती. माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड फोटो भी बन सकती है, वो फिर केस लेने पड़ते हैं. तो मैं वो केस कूस के लफड़े से बचने के लिए मैंने क्या कि मैंने सही से डिवाइड कर दिया. हटाओ सावन के बेटा, लफड़ा ही खत्म. समझ रहे नहीं समझ रहे? अब इसका कोई लफड़ा ही नहीं है. माउथ ओपनिंग अपर फोटो बनेगा. कंडीशन क्या है बोलो जल्दी? एफ ऑफ वन लेस देन जीरो एंड, अब बहुत स्लो बोलते हो यार. एफ ऑफ टू लेस देन जीरो. एफ ऑफ वन लेस देन जीरो, वन रख दो भाई. तो वन माइनस टू के अपॉन के माइनस फाइव प्लस के माइनस फोर अपॉन के माइनस फाइव लेस देन जीरो. एल सी एम के माइनस फाइव माइनस टू के प्लस के माइनस फोर अपॉन के माइनस फाइव लेस देन जीरो. कुछ बाजे 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 माइनस नाइन. माइनस नाइन हमें पसंद नहीं था, माइनस से मल्टीप्लाई किया. नाइन अपॉन के माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से आया के ग्रेटर देन फाइव. एक सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन एफ टू ग्रेटर देन लेस देन जीरो, रख दो भाई. फोर माइनस फोर के अपॉन के माइनस फाइव प्लस के माइनस फोर अपॉन के माइनस फाइव, इससे शायद आपका वो आ जाएगा 24. फोर के माइनस ट्वेंटी माइनस फोर के प्लस के माइनस फोर अपॉन के माइनस फाइव लेस देन जीरो. किचिक किचिक, कितना आया? के माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन के माइनस फाइव लेस देन जीरो. के बिलोंग्स टू फाइव टू ट्वेंटी फोर. अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन. दिस इज द आंसर. दिस इज नॉट गलत है. आंसर सही आया से क्या मतलब है? वो तो किस्मत है आंसर सही आया जो तुम्हारे. पॉजिटिव करने पे तो आपने एक ही केस लिया ना, नेगेटिव वाला केस क्यों नहीं लिया? वो तो आपकी किस्मत इसलिए अच्छी थी, आंसर आपका इसलिए आ गया क्योंकि नेगेटिव वाले केस में शायद आंसर आ ही नहीं रहा. जब ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनाएगा तो इसके इसमें वन और टू रूट्स के बीच में आ ही नहीं पा रहे होंगे, ऑटोमेटिकली नहीं आ पा रहे होंगे. क्वेश्चन की ऐसा बनावट होगी. माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनाना नहीं है, हम नहीं बनाएंगे. बनेगा नहीं ऐसा थोड़ी है, बन तो सकता ही है. हमने डिवाइड करने वाली टेक्नोलॉजी क्यों बनाई? जिससे हमें वो उसके केस लेने ना पड़े. तुम्हारी किस्मत अच्छी रही कि इस वाले में पॉसिबिलिटी नहीं होगी शायद उसकी, इसलिए उसका आंसर आ ही नहीं रहा होगा. तो हम बच गए, इसलिए आंसर आ गया. थर्ड सिंपल है. थर्ड का आंसर सबका आना चाहिए. थर्ड सबसे सिंपल है. सही है. नहीं, कंडीशन सही लगाइए. सॉल्यूशन सही, आंसर सही है नहीं पता मेरे को. कंडीशन सही लगाइए. फिगर नंबर कौन सा बनेगा? वन. फिगर नंबर वन, क्योंकि माउथ ओपनिंग अपर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स. तो नेगेटिव होता ही फिगर नंबर वन में है, तो इसका मतलब डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. थर्ड इज डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. तो ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए प्लस फोर्टी एट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. ए माइनस फोर इंटू ए माइनस ट्वेल्व मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. तो ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू फोर ओपन यूनियन ट्वेल्व ओपन टू इन्फिनिटी. दिस इज द आंसर. एक ही कंडीशन लगेगी, और कंडीशन लगेगी क्यों?
जी साहब, अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है तो वो नेगेटिव कौन सी फिगर में होता है? वन में, बस खत्म हो गई बात। नेगेटिव ही तो बनाना है सिर्फ। ये माइनस एन किस लिए लिखा है तुमने? ओ देवता, माइनस एन किस लिए लिखा है? एक्सीड माइनस एन गेलशिप पे अगला क्वेश्चन है। ये रहा, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। रे मुंगेरी लाल, हाँ हाँ क्या होता है? मुझे इसका आंसर चाहिए चौथे का तुम लोगों से। लो आप लोगों की सहायता के लिए ऐसी लाइनें खींच दी अलग अलग क्वेश्चन पे। हाँ क्या बोल रहे हो? इसका फोर्थ का माइनस इन्फिनिटी से ओपन क्लोज, भाई कुछ तो बताया करो। भाई एक सॉल्यूशन ही बताया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि सही आंसर हो। इसको सही मानने की गलती ना करें, अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि फॉर ऑल रियल एक्स वो हो ही नहीं सकता। फॉर ऑल रियल एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता। माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर फॉर ऑल रियल एक्स नेगेटिव कैसे हो सकता है? देखो तो सही करके एक बार, शायद आ जाए। आएगा तो सही आंसर तो आएगा ही, खैर आएगा आएगा, बट वही है, फाइव में से कैसे घटाओगे कुछ? माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो नहीं गेल से पी, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो नहीं तो क्या? तो मुझे क्या पता तो क्या? ये फोटो बना पहले, दोनों रूट माइनस वन से बड़े होंगे तो फोटो कैसे बनेगी? माइनस वन, ये बात सवाल। अब कंडीशन लगा, ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा रहा है कि ग्रेटर देन लगा रहा है सिर्फ? पास कर। हाँ आंसर वो लिखा है ना, हो गया तेरा भी गुड। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। अब दो लोगों का आया है तो फिर हो सकता है आंसर हो। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू से डिवाइड किया जाएगा, सबसे पहला काम। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं करा। तो जिन लोगों ने नहीं करा उनको पता है कि वो क्यों पिटे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस फाइव अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू टाइम्स एक्स, है ना? माइनस टू टाइम्स टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इज कुछ नहीं, इजिकल्स टू क्या था भाई? हट, दिस इज एफ एक्स। दोनों रूट माइनस वन से बड़े चाहिए तो फोटो माइनस वन के राइट में होनी चाहिए भाई। इक्वल रूट भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन मेरी आदत तो डिस्क्रिमिनेंट की है, लोगों ने अलग अलग लगाई है, खैर सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ए प्लस फाइव का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स प्लस टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एलसीएम, ए प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस वन का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 ए प्लस 8 ए स्क्वायर प्लस 8 ए माइनस 16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इतना तो हाथ पे कंट्रोल होना ही चाहिए कि ये सब चीज़ें लिख पाओ आप। एलसीएम ही तो लिया भाई, अब थोड़ा सा आगे की स्टेप लिखने के लिए इसको फैक्टराइज भी कर दिया, ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1। अब आज नहीं तो कल तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 8 ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर प्लस 18 ए प्लस 9। अरे ये तो कॉमन आ गया क्या, 9 लिखने की भी जरूरत नहीं है बाहर, 9 नहीं समझ रहे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ए प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट लिखने का समय आ चुका था, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज एवरी क्रिटिकल पॉइंट होता, लेकिन यहाँ पे सारी पावर्स इवन है, यानी कि नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज। क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, नहीं आ रहा समझ में, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये वाला, ये नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 बना रहे हैं। क्लियर है क्या, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस 2 माइनस 1। कोई समस्या, दो चीजें छूटी है सिर्फ, माइनस 1 नहीं प्लस 1। दूसरी कंडीशन, माइनस बी बाई 2 ए ग्रेटर देन माइनस 1। भैया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 1 के राइट में होना चाहिए, सही है क्या, माइनस बी बाई 2 ए ग्रेटर देन माइनस 1। तो माइनस बी बाई 2 ए देखना भाई, उसमें इसमें ए प्लस 5 अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 है प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ए प्लस 5 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस 4 अपॉन ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अरे 2 कहाँ गया, 2 खा गए हम, इक्वल टू 0 है ना सामने, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर 2 ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मुझे लगता है इसके फैक्टर होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 क्या बने, 2 ए, 2 ए प्लस 1 और ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट बनाने का समय आ चुका था, माइनस 2 माइनस 1 माइनस हाफ 1 गलत है, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में ऑलवेज पॉजिटिव, ऑल्टरनेट चेंजिंग ऑल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ए बिलोंग्स टू देखना भाई माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू माइनस हाफ यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। किसी को कुछ समस्या आ रही है क्या अभी तक, बोलो भाई। एक और बची अभी कंडीशन, कौन सी, एफ ऑफ माइनस 1 ग्रेटर देन 0 बची है ना, अच्छा ठीक है वो भी लगा लेते हैं। एफ ऑफ माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ माइनस 1 किस में रखना है, इसमें, इसमें रख रहे हैं भाई, तो 1 प्लस ए प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। देखो कैलकुलेशन लंबी है, मैं भी तो कर रहा हूँ यार, ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 प्लस ए प्लस 5 माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आगे 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 यार बोला करो भैया, मेरे से क्यों बुलवाते हो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 4 1 अपॉन ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स जल्दी, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, साइन चेंज, अब नो साइन चेंज, क्यों, क्योंकि ऊपर ए प्लस 1 का
होल स्क्वायर है, फिर साइन चेंज। कुछ समझ आया नहीं आया? हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। आंसर ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन वन से इन्फिनिटी। मुझे लगता है यही जीतेगा, मुझे लगता है यही जीतेगा इसके इसके और इसके इंटरसेक्शन में, क्योंकि सबसे छोटा वही है, सबसे छोटा यही है बस। तो यही आंसर है, मुबारक हो। मत जान, पेम्पर कर, पेम्पर। नेक्स्ट स्टार मार के भाई, स्टार को थोड़ी सी इज्जत दें, जीएलटी ना ले लें, जस्ट लाइक दैट मानने की गलती ना करें। प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू स्टार। हाँ वो ए टाइम है। फाइंड एम फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ एम प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एम प्लस वन एक्स प्लस एट एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आर लेस देन वन इन एब्सोल्यूट वैल्यू। दोनों रूट एक से छोटे हैं। फोटो कहाँ है? मुझे एक तो ये समझ में, तो डंडा खाने वाला काम क्यों करते हो? वेयर इज द फोटोग्राफ? माइंड में नहीं होता कुछ भी, पता तो बड़े पहले बनाया गया है। तुमने क्या सॉल्व कर रहे हो? श्रद्धे अबे चंपू हो, केल बावली झाल रहा हूँ, बेवकूफ लोग हूँ। ये क्यों देता मैं एक बार बताओ? एक क्वेश्चन मैंने एक्सीड माइनस वन का दिया, एक क्वेश्चन वन से छोटा दे दूंगा, दोनों रूट तो फायदा क्या हुआ दो क्वेश्चन कराने का? बेवकूफ लोगों, इसके दोनों रूट वन से छोटे हैं है? लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म में वन से छोटे हैं। नहीं समझ में आया? मॉड एक्स इज लेस देन वन, यानी कि एक्स डांसिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, तो दोनों रूट माइनस वन से वन के बीच में है। नहीं समझ? अब तो क्वेश्चन सिंपल है, अब क्वेश्चन सिंपल है। ये वाले ग्राफ बनेंगे माइनस वन और प्लस वन के बीच में। अगर टाइप वाइज में बात करूं तो टाइप थ्री। ऐसे मैं चाहता नहीं कि मैं टाइप वाइज बात करूं, मुझे कंडीशन बनानी आनी चाहिए इनकी। कंडीशन बोलिए इधर ऊपर देख के, फिर इंटरसेक्शन तो आप ले ही लोगे। डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो माइनस बी बाई टू ए बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। गुड। एफ ऑफ माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो। इन चारों कंडीशन को लिख के इनका इंटरसेक्शन लेने पर आपको आंसर मिल जाएगा। बस इस सब से, इन सब को करने से पहले m प्लस वन को डिवाइड करना जरूरी है। अगर m काटो ना, m माइनस वन थोड़ी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब मॉड ही होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता ही मॉड है भाई, इसीलिए तो स्टार लगाया उस पर। एम ही थोड़ी स्टार लगा दिया था कोई जबरदस्ती। एक आदमी सोच पाया था आप में से, सब में से बस कृष्णा जी, कि माइनस वन से वन के बीच में होगा है। फाइंड नहीं नहीं साहब, अभी तो टाइम है,
लाइफ बियॉन्ड LOR जो है वो तो अपन तब उसके काबिल हो पाएंगे जब हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमने बोला था ना लास्ट टर्न पे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक लीनियर अपन लीनियर और ये सब पूरे थोड़े से थोड़ी प्लॉट करने आते हैं। लीनियर अपन लीनियर तो फिर भी प्लॉट कर सकते हैं। लाइफ बियॉन्ड LOR का सीधा सा कंसेप्ट है, मंकी को एक साइड रखो बाकी पूरी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ, सीधी सी बात है बिल्कुल। तो अगर आप मंकी को एक साइड रखोगे, अरे अपॉन में एम कहाँ से आ गया यार, मैं बोल रहा हूँ एम राइट साइड में आएगा, एम एक तरफ और बाकी पूरी चीज़ें दूसरी तरफ आएगी, तो ही लाइफ बियॉन्ड LOR लग सकता है। और इसमें अगर आप एम को एक साइड रखोगे तो आपको मिलेगा दूसरी साइड -2x + 1 upon -x² + 2x और -8, ये मिलेगा। एंड प्रेजेंटली वी आर नॉट इन द कंडीशन कि हम इसे प्लॉट कर सके, नहीं तो हम चुटकियों में आंसर दे देते, हम पैराग्राफ बना देते इसका। अगर हम इसे प्लॉट करने की काबिलियत रखते होते तो हम पैराग्राफ बना चुके होते इस क्वेश्चन का, ये बोल रहा हूं मैं। तब तो चीज फाड़ी कर देंगे ना जब वो प्लॉट करना आ जाएगा उसके बाद तो, क्योंकि दूसरी साइड तो एम प्लॉट करना है, एम तो ऐसे ऐसी लाइनें बनेगी वो खत्म बात, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन ये प्लॉट करना आना चाहिए ना उससे पहले, प्रॉब्लम कहीं और है, समझो मास्टर की मजबूरी को। ठीक है मेरी बात अलग है, मेरे को तो कुछ दे देगा ये तो, मैं तो इसको ही प्लॉट कर दूंगा कुछ कुछ करके दुम 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 करके, बट दुम दुम करना नहीं है ना। किसको इसको प्लॉट करके देखें, फिर काट लेंगे यहाँ से अपन, यहाँ से वीडियो काट लेंगे ना। हाँ ठीक है लो इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है खून खराबे का जिम्मेदार मास्टर नहीं है, बिल्कुल डिस्क्लेमर तो पहले डालें। ठीक यहाँ पे जो भी होने वाला है उसके पूर्णतः जिम्मेदार आप खुद माने जाएंगे। नहीं आप लोग सामूहिक रूप से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उसे भाई। हाँ भाई सुनो, इसको इसको प्लॉट करने की मैं हिम्मत इसलिए कर सकता हूँ, हाँ इसको प्लॉट करने की हिम्मत मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि इनमें कुछ खूबसूरती है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से बना दूंगा मैं इसको ग्राफ को 60 60 60 60 करके, क्योंकि इनमें क्या है आपस में रिश्ते दिख रहे हैं ऊपर नीचे, बहुत करीबी रिश्ते नहीं दिख रहे हैं, चलो ये और क्रांति मचाते साला, आज तो खून खराब कर ही दो, पूरा खत्म ही कर दो किस्सा, धड़ 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 खेचे एक्स। ठीक है नीचे ला रहा हूँ, नीचे नीचे ला रहा हूँ, शॉट ये स्टोरी है भाई। जो भी है आज नहीं कल नहीं परसों तक तो हम यहां पहुंचने वाले थे। ठीक है ओके अब हम शुरू करेंगे यहां से, देखो वाई इज इक्वल टू 1/x द ब्यूटी वर्सेस ब्रेन। ओके ग्राफ मन में बन जाना चाहिए तब तक, फिर फायदा ही नहीं बनवाने मेरे बनाने का, अभी तक किसी के हाथ दिखे ही नहीं मेरे को बनते हुए, अभी तक नहीं दिखे। हाँ ये और ये दो बनाओ, सुँ, 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 सही है। अच्छा 7/1/x 7/x यही है, अरे यही है क्या है इसके, यही है गेंद से प्या क्या, अब यही है 7/, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो वन पे जाके 7 बना दूंगा, बिग डील मेरे हाथ में है ना वो, तो यही ग्राफ है समझे नहीं समझे, 7/x² हाँ। अब धीरे धीरे जा रहे हैं उसके पास, वो तो जाना ही पड़ती, धीरे धीरे जा रहे हैं इसके पास। ओके समझे क्या, ला रा 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 रा, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या, पॉजिटिव हो गए सारे, आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है। रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस, हाँ भाई रेजोनेंस, हाँ लो सुनो सुनो सुनो, अब 7/x - 1 का होल स्क्वायर,
शिफ्ट कर दें ऐसे, एक यूनिट आगे ले जाए, नहीं ले जा रहा मैं तो वाई एक्सिस को, एक यूनिट पीछे ले जा रहा हूँ, एक ही बात है, एक ही बात है भाई, ये वन है, बोलो समझ में आया नहीं है, नहीं समझ आ रहा। अच्छा ये जीरो की लाइन है, एक्स एक्सिस है ना, है अब इसमें क्या करना था, प्लस वन। अरे ये सीख लिया ना आपने तब तो दुनिया जीत जाओगे आप, प्लस वन मतलब एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, नहीं मैं नहीं कर रहा शिफ्ट, एक्स एक्सिस को एक यूनिट नीचे ला रहा हूँ, तो ये वन की लाइन हो गई है। देखो सुनो अब है कहानी में ट्विस्ट, तो असली तब आएगा, यहां तक का ग्राफ में प्लॉट कर चुका हूं है, इसके बाद दो काम और करने हैं मेरे को, एक तो इसका रेसिप्रोकल करना है, फिर माइनस लगाना है, माइनस में लगाना सिखा चुका हूँ क्लास में, माइनस लगाना बड़ी बात नहीं होती, ऊपर वालों को नीचे, नीचे वालों को ऊपर ले जाओ, माइनस बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है रेसिप्रोकल करना। ओह रेसिप्रोकल, तो सुनो रेसिप्रोकल करने जा रहा हूं मैं है, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, ये चीजें वन से बड़ी थी, रेसिप्रोकल वन से छोटे होंगे, हम जैसे जैसे आकाश लोक की तरफ जाएंगे रेसिप्रोकल जीरो की तरफ आएंगे, पाताल लोक की तरफ नहीं, आकाश लोक के रेसिप्रोकल पाताल लोक में नहीं जाते, आकाश लोक के रेसिप्रोकल जीरो पे जाते हैं, क्योंकि आकाश लोक कौन है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर का रेसिप्रोकल बहुत छोटा नंबर, माइनस इन्फिनिटी नहीं, जीरो की तरफ नहीं आया समझ, ये द ग्राफ इज दिस। देखो सुन लो थोड़ा सा समझाने की कोशिश तो करूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं जैसे जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा था ग्राफ की वैल्यू वन को अप्रोच कर रही थी, लेकिन वन से बड़ी रहनी चाहती थी, तो रेसिप्रोकल वन से छोटा रहना चाहेगा, ये बचपन वाले मास्टर ने सिखाया था, मेरी गलती नहीं है भाई, वन से बढ़ेगा रेसिप्रोकल वन से छोटा होगा, तो वन को अप्रोच कर रहा था तो रेसिप्रोकल भी वन को अप्रोच करेगा, लेकिन खुद वन से बड़ा था तो रेसिप्रोकल वन से छुटका होगा, तो वन से छुटके वाली साइड से वन को अप्रोच करता होगा, नहीं समझ रहे, ये सारे नंबर वन से बड़े वन से बड़े वन से बड़े 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 बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, रेसिप्रोकल घटता जाए घटता जाए घटता जाए घटता जाए, आकाश लोग जीरो 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 जीरो, कंटिन्यूस बनेगा साहब बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ने इसने वन रखने से मना नहीं किया था आपको, आप साला उसे नीचे लिया जटाक करके, तो आपने उसे बोला बेटा तू वन नहीं रखूंगा मैं तेरे को, चिंता मत कर, लेकिन इसमें तो रख सकते थे, वन रखने पे जीरो मिल रहा है देखो, इसलिए वन रखने पे जीरो मिला, मैंने तो इसका ग्राफ बनाया भाई, अभी भी पूरा उसका नहीं बनाया, क्यों अभी तो नेगेटिव करना बाकी है, तो कोई बात नहीं एज इट इज नीचे चला जाएगा, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, और ये लाइन माइनस वन की, मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई किसी भी चीज के लिए, मैंने पहले ही कह दिया था ये ग्राफ कुछ भी नहीं है, दिस इज द आंसर। अब एम के लिए देख लेते हैं, अब क्वेश्चन क्या था पहले बताओ, एक रूट वन से बड़ा और ओ भाई चल हाँ, एक रूट हमें तो दोनों रूट माइनस वन से वन के बीच में होने चाहिए ना, दोनों रूट माइनस वन से वन के बीच में होने चाहिए, और आंसर आया है फाइव है ना, फाइव आना चाहिए, फाइव है ही नहीं ना, देख देखो देखो देखो, अब देख लो, अब जब सुनो एक मिनट, ओ गेल सी प्याओ, जब फाड़ ही चुके हैं क्वेश्चन की ऐसी करी दी, देख लो जब आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सॉल्व कर लो फटाफट कर लो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो ना फटाफट, माइनस वन से जीरो, ये देखो ये रहा माइनस वन ओपन से, माइनस वन ओपन आएगा, एम प्लस वन को डिवाइड करोगे ना यार, तो माइनस वन ओपन से जीरो क्लोज आएगा, ये देखो ये रहा, तुम सुन ही नहीं रहे हो, गोल्डन लेवल चीज है भाई सब है इसके पास, माइनस वन ओपन से जीरो के बीच में जब मंकी की लाइन बनेगी तभी रूट्स आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं है,
अब आपको क्या चाहिए, दोनों रूट माइनस वन से वन के बीच में। तो पहले पता मेरे पहले 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 रुको 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 भैया, माइनस वन पे जाके वैल्यू चेक करो इसकी, माइनस वन पे वैल्यू, माइनस वन पे वैल्यू जल्दी। ऊपर आया फोर, फोर आया ना प्लस का, नीचे माइनस वन, माइनस टू, माइनस फोर बाय इलेवन है ना। तो माइनस फोर बाय इलेवन से जीरो के बीच में जब मंकी होगा, देख लो ओ कब तुड़ियो, देखो इसके बीच में जब मंकी होगा तो एक रूट तो माइनस वन से वन के बीच में आएगा लेकिन दूसरा रूट वन से बड़ा होगा। समझना तो खुद ही पड़ेगा भैया, देखो मेरी गलती नहीं है। आपको ऐसा कोई इंटरवल मिलेगा ही नहीं जिसमें दोनों रूट माइनस वन से वन के बीच में आ जाए, असंभव, हो ही नहीं सकता भैया। एक रूट तो वन से बड़ा 100% है, 100%। सॉरी सही है ना दो, अरे एक रूट वन से बड़ा और एक रूट वन से छोटा ही आने वाला है, 100% बात है। समझ गए, अगर वन लाइज बिटवीन द रूट करना हो ना, वन लाइज बिटवीन द रूट, तो माइनस वन से जीरो आंसर आ जाएगा। देख लो करके अभी कभी एफ ऑफ वन लेस देन जीरो सॉल्व करो, एम प्लस वन से डिवाइड करके एफ ऑफ वन लेस देन जीरो सॉल्व करो, करो ना कोशिश तो किया करो भाई अच्छी चीजों की। अरे वन लाइज बिटवीन द रूट के केस में एफ ऑफ वन लेस देन जीरो सॉल्व नहीं करोगे क्या? अभी चेक कर लो पहले, माइनस वन ओपन से जीरो ओपन आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं नहीं माइनस वन से जीरो आएगा आंसर, देखो एफ ओ वन लेस देन जीरो, डंडा ही आना पड़ेगा, अभी तो वैसे भी कट नहीं है, डंडा लाओ साला डंडे। ये देख नशेड़ी, माइनस वन नहीं बोल रहा हूँ, एफ ऑफ वन जीरो बोल रहा हूँ, एफ ऑफ वन लेस देन जीरो। ये देख अभी भी देख एफ ऑफ वन लिखा है तूने, अच्छा ये वन, ओह माय गॉड, अब वन का डंडा इतना लंबा खींचोगे माइनस दिखेगा तो फिर क्या करेगा कोई आदमी, वो अभी भी माइनस वन लग, चल क्या लिखा है ये है एफ ऑफ माइनस वन, मेरा नहीं सुना उसने, वो सुनता ही नहीं मेरी बात, आया ना माइनस वन से जीरो बस, हाँ तेरा लेस देन जीरो आया, खा खा डंडे खा, अरे कोई बात नहीं, एम प्लस वन से डिवाइड कहाँ किया, एम प्लस वन से डिवाइड कहाँ किया, हाथ रहा हाँ, फिर एम प्लस वन कहाँ गया, नीचे वाला गायब, एलसीएम लेके गया कहाँ, गधेड़ सिल्ली, मुंह से मारूंगा अभी, क्रिटिकल पॉइंट में ना आंसर लिख, माइनस वन से जीरो आया ना तो दिख भी रहा है ना उसके अंदर, नहीं दिख रहा, एक रूट वन से बड़ा एक रूट वन से छोटा आएगा, हमेशा ही ऐसा है एक्चुअली, एक ही केस में एम का आंसर आने वाला है, बाकी केस में एम बिलोंग्स टू फाइव आएगा देखना, बाकी कोई भी कंडीशन बना लो इसके ऊपर और सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, एम बिलोंग्स टू फाइव आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इतनी सी तो जगह है बेचारे के पास नाचने के लिए, उसमें जो भी रूट आने वाला है एक रूट वन से बड़ा एक रूट वन से छोटा ही आने वाला है, दिख रहा है ना साफ साफ, सही है। तो ग्राफ में चीज देख तो सकते हैं हम, लेकिन अभी हम ग्राफ नहीं बना सकते सबके, सर मैं बना सकता हूँ, बनाए जा सकते हैं, टैलेंट टैलेंट होना चाहिए बनाए जा सकते। मैं उस दिन वो बनाने वाला था ना उसका रेंज निकाली थी किसी के अपन ने उस वाले क्लास में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली थी एक उसकी हॉल एंड नाइट के क्वेश्चन की,
माइनस इलेवन आया था और एक उस वाली क्लास, हाँ उसका मैं ग्राफ ही बनाने वाला था एक्चुअल में, फिर मैं थोड़ा कंट्रोल किया था अपने पे कि नहीं बेटा रुक जा हाँ लास्ट से बच जाए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा काम नहीं। तो ऐसे क्या कई बार मास्टर कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऊपर, अभी बच्चे हैं ना अपन अभी भाग जाए बिना 12th की फीस दिए मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा ना मैं तो तुरंत, इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा। मैं शादीशुदा हूँ, एंड ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन समाप्त हुआ, आई एम ए मैरिड पर्सन। लास्ट ईयर से मैंने पता है चुप अपनी बीवी से छुपा के 5,000-5,000 रुपये बचाने चालू करे हर महीने, तो अब जाके मेरे पास 8,000 रुपये हुए हैं। है हाँ मतलब शायद डाउन पेमेंट तो जमा हो ही जाएगा, टेस्ला आई नहीं ना इंडिया में, चार्जिंग पॉइंट ही नहीं बन रहे ना, चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है ना मेरे 1,000 रुपये दे चुका हूँ मैं उनको, 1,000 रुपये जमा है मेरे उनके पास, $1,000 60,000 रुपये वो डम जमा है उनके पास। हाँ ऑनलाइन बुकिंग थी ना लिली सालों ने, 1 साल हो गया उस बात को खाए बैठे हैं, नहीं कहीं पे भी अब बन रहे हैं, अब इन्होंने इनके साथ HP और इनके साथ करार हुआ है, HP भारत पेट्रोलियम इनके साथ करार हुआ है ना, क्यों नहीं बनेंगे सब जगह बनेंगे जब कोई दिल्ली से निकलेगा उस गाड़ी को लेके तो भीख थोड़ी मांगता रहेगा बेचारा घरों में गेट खटका भाई बिजली दे दो बहुत समस्या है, गंभीर समस्या है बेचारे के साथ, इतने बड़े बड़े मॉडल उसने बना दिए लेकिन कोई खरीद ही नहीं सकता लो आ जाओ आ जाओ, फाइंड M फॉर विच द इनइक्वलिटी, फाइंड M फॉर विच द इनइक्वलिटी MX² - 4X + 3M + 1 > 0 is satisfied for all positive x, इसका मतलब होता है for all positive x, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं देखो भाई बिल्कुल साफ बात, सबसे पहली चीज इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव नहीं दे रखा, तो क्या मैं उससे डिवाइड कर सकता हूँ, प्रश्न आया एक, लोगों ने साफ मना कर दिया नहीं कर सकते क्योंकि ये इनइक्वलिटी है, ये इक्वलिटी नहीं है, पहले जो शुरू में नोट लिखाया गया था उसमें साफ लिखा दिया गया था हम सिर्फ इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट्स, इन इक्वेशन को थोड़ी कर सकते हैं साहब, इन इक्वेशन को डिवाइड करने से पहले तो उसका साइन पता होना जरूरी होता है, तो इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, पहली चीज अगर इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता तो एक बहुत क्लियर बात है क्या कि आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे केस लेने पड़ेंगे और लेने चाहिए, जीरो वाला केस तो स्पेशली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसने क्या बोला है इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी नहीं बोला, सबसे पहले मैंने वो केस ले लिया, हटाओ केस वन अगर मंकी जीरो हो जाए, बोलना भाई -4x + 1 > 0 यानी कि 4x - 1 < 0 यानी कि x < 1/4 है क्या, सुनो इसका आंसर क्या है, m cannot be equal to 0, पता है क्यों आया आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ये चाहता था कि मेरी इनइक्वलिटी x की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, जबकि इसको सॉल्व करके मेरा आंसर क्या है x belongs to -∞ to 1/4 तो 1/4 तक ही ट्रू है मेरी इनइक्वलिटी, नहीं समझ आया, जबकि मेरी इनइक्वलिटी ट्रू किसके होनी चाहिए, सारे पॉजिटिव x के लिए ट्रू होनी चाहिए थी भाई, अरे भाई ओपन जीरो से इन्फिनिटी तो मेरा आंसर आना ही चाहिए,
समझ आ रहा है, इसलिए मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। केस टू, पहले m लेस देन जीरो का केस सॉल्व करते हैं। m लेस देन जीरो मतलब इनके इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे बनेंगे? माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, कुल मिला के तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं, कुल मिला के। सही है, कौन कौन से फिगर? फिगर नंबर 4, 5 और 6। फिगर नंबर 4 कुछ देर के लिए पॉजिटिव, फिगर नंबर 5 नेवर पॉजिटिव, फिगर नंबर 6 ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव भाई, इसकी तो बात करना ही बेकार है। देखो, चूंकि मुझे तो पॉजिटिव बनाना है, इसकी बात करना भी बेकार है चूंकि मुझे तो पॉजिटिव बनाना है। क्लियर है? इसके बारे में मैंने गंभीरता से सोचा, गंभीरता से सुनो तो, गंभीरता से सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि इसमें कभी कभार पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन कभी कभार से मेरा काम नहीं चलेगा भाई। अरे कभी कभार से मेरा काम चलने वाला ही नहीं है। क्वेश्चन क्या चाहता है? फॉर ऑल रियल मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल एक्स, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल एक्स। इसमें नहीं हो सकता था, इसमें तो 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 1000, 2000, 1,00,000, 2,00,000, बस इतनी एक्स की वैल्यू के लिए। अच्छी साहब, सिर्फ रूट्स के बीच में ही पॉजिटिव होता है, हमेशा कैसे हो सकता है? कभी ना कभी तो इसे नेगेटिव होना ही पड़ेगा। आप कितनी भी देरी से ऊपर रख लो, लेकिन आएगा नीचे बेचारा साला। अल्टीमेटली रिजेक्ट। तो बचा कौन? केस 3, एम ग्रेटर देन 0। समझे? है केस 3, एम ग्रेटर देन 0। अगर m पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव की बात करना थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, है ना? मैं इसके सारे पॉसिबल ग्राफ बना रहा हूं, सारे, ठीक है, जितने बन सकते होंगे। सबसे पहले फिगर नंबर 3 टाइप, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आप x कुछ भी रखो, इसमें आप x कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बनता है फिगर नंबर 2। हाँ, फिगर नंबर 2 सुनना एक मिनट ध्यान से। अब फिगर नंबर 2 की कितनी पॉसिबिलिटी में बना सकता हूं मैं? कह रहा मैं सारे ग्राफ बना रहा हूं, सारे जितने बन सकते हैं। देखना फिगर नंबर 2 में, एक सेकेंड, ये मैंने y एक्सिस ही बनाया आज, क्योंकि आज क्या है मेरे लिए क्वेश्चन क्या था भैया? फॉर ऑल पॉजिटिव x मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए? आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर ऑल पॉजिटिव x यानी कि इनपुट जब मैं पॉजिटिव रखूं तो मुझे आउटपुट पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव कौन करेगा भाई? y एक्सिस ही तो करेगा। इसके इधर इनपुट पॉजिटिव है, इसके इधर इनपुट नेगेटिव। क्या सारे पॉजिटिव इनपुट के लिए? क्या सारे पॉजिटिव इनपुट के लिए मेरा ग्राफ पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है इस केस में? जल्दी बोलो, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर से। क्या सारे पॉजिटिव एक्स के लिए मेरा ग्राफ पॉजिटिव इनपुट दे रहा है? नहीं, नॉन नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, जीरो भी हो जाता है साला। है? नहीं समझे? अच्छा, इन तीन के अलावा फिगर नंबर 2 की कोई अलग डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। देखो, या तो दोनों रूट कोइंसिडेंट पॉजिटिव होंगे, या दोनों रूट कोइंसिडेंट 0 होंगे, या दोनों रूट कोइंसिडेंट नेगेटिव होंगे। सही है? इस केस में क्या सभी पॉजिटिव इनपुट के लिए आउटपुट पॉजिटिव है? वैलिड, ये भी वैलिड। मैं कह सारे जितने पॉसिबल ग्राफ है ना, सारे बना के एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लेता हूँ। सीधी साफ बात है, सच्ची। है? हाँ, सारे पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऊपर है। इसमें थोड़ा सा डाउट था, इसमें कई लोगों को डाउट रहता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव इनपुट रखने पे तो पॉजिटिव ही मिलेंगे। जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो रख कौन रहा है? हमें तो पॉजिटिव इनपुट रखने,
क्लियर है? अगर यहां थोड़ा सा चेंज कर देगा ना कोई, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव एक्स, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव एक्स अगर कर दिया किसी ने, नहीं बेटा तो इसे भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो इसे भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए तो पॉजिटिव ही ना भाई, अरे चाहिए तो पॉजिटिव ही। फॉर ऑल नॉन नेगेटिव एक्स यानी कि एक्स जीरो या जीरो से बड़ा रखने पे मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए, सिर्फ इसमें मिल रहा है भाई, तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ना, सही है। चलो वो तो लैंग्वेज चेंज करने की बात। फिगर नंबर थ्री में सारे ग्राफ पॉसिबल हैं, फिगर नंबर टू में जिनमें दोनों रूट कोइंसिडेंट पॉजिटिव है वो एक्सेप्टेड नहीं है, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं। फिगर नंबर वन में जिनमें रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट के साथ कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है देखना, नहीं नहीं बहुत सारी हो सकती, दोनों रूट पॉजिटिव, एक रूट जीरो एक रूट पॉजिटिव, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, एक जीरो एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। मैंने तो भाई साहब सारे ही बना दिए, लफड़ाई खत्म करो ना, केस रिजेक्ट, केस छूटने का डर ही नहीं होना चाहिए जब हम पहले सीख रहे हैं शुरू में, तो केस छूटने का डर ही नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। अब पूछ लेते हैं एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, ये तो कुछ देर के लिए नेगेटिव भी हो रहा है तो इसकी तो बात करने बेकार है, बात करने बेकार, बात करने ही बेकार, सारे पॉजिटिव के लिए तो ऊपर है एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्टेड, क्लियर है? क्लियर है? अब इनकी कंडीशन बनानी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए साहब, ठीक है? इसकी कंडीशन डी शुड बी लेस देन जीरो, है ना? देखो बहुत ध्यान से, मैं बिल्कुल बहुत तसल्ली से बता रहा हूँ, पेशेंस से आप लोग ढंग से करेंगे तो मजा आएगा आपको। इसे मानते हैं बाबू, ठीक है? सोना बोना नहीं, पंचनामा थोड़ी चल रही, पंचनामा नहीं, क्या नाम था उसका, प्यार का पंचनामा ही थी ना। अच्छा, टी लेस देन जीरो कंडीशन, इसको माना फर्स्ट, कुछ आंसर आएगा यहां से? चलो इसकी कंडीशन बताओगे कोई, इसकी कंडीशन, हाँ, डी इक्वल्स टू जीरो, ओ माय गॉड, हाँ, इसकी कंडीशन माइनस यू टू ए इक्वल्स टू जीरो, और चलो बहुत बढ़िया। अब मैं लिखता हूँ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और माइनस बी बाई टू ए इज इक्वल टू जीरो, मेक्स दिस ग्राफ। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक रूट जीरो हो गया है, बात खत्म। और इसने क्या किया, इसने दूसरा भी जीरो बना दिया है, इनके कंबाइंड से एक आंसर और आया सेकेंड। बहुत मस्ती बताने जा रहा हूं, देखो ढंग से देखोगे सुनोगे समझोगे। तो इसकी कंडीशन एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो माइनस बी बाई टू ए और डी इज इक्वल टू जीरो, तीनों लगाने पड़ेंगे। सही सोचा आपने बिल्कुल, एक तीनों लगानी पड़ेगी, हाँ लगानी पड़ेगी साहब। इन तीनों से कंबाइंड करके एक आंसर आया थर्ड नंबर का। कंसेप्ट अब आज एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल, अगर सारा सही तो इन तीनों का क्या करेंगे आपस में इंटरसेक्शन हो तो, कंडीशन का तो हमेशा इंटरसेक्शन होता है, इससे तीन आंसर आएगा तीसरे नंबर का, मतलब तीन आंसर नहीं तीसरे नंबर का, इससे दो आंसर, और रॉन्ग हो ये है, एक कंडीशन एक आंसर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको आंसर नंबर वन बोला, इसे आंसर नंबर टू बोला है, इसे आंसर नंबर तीन बोला है ना? अच्छा, इसकी भी कुछ तो कंडीशंस होंगी, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या होता है कि डी की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, माइनस वी बाई टू ए लेस देन जीरो, इसने क्या इधर का ग्राफ बना दिया, नहीं समझे, इसको आंसर नंबर दे दिया फोर्थ। इसकी कंडीशन दोनों रूट नेगेटिव, एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो माइनस वी बाई टू ए लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो,
इससे आंसर नंबर आएगा 5 है। अब फाइनल आंसर, सिर्फ हाथ खड़ा करके बताओगे आप किन का तो यूनियन लेना है और किन का इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का क्या यूनियन, ये आंसर है नहीं बाबू के साथ। बाबू बैठो ऊपर खेल से प्या बाबू है सबसे ऊपर यही तो मैं बोल रहा था आपको, आप समझ नहीं रहे ढंग से, रटना नहीं है, रटा तो खत्म गेम। इन सब का तो यूनियन, क्योंकि ये तो क्या अलग अलग पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा होना ही चाहिए तो कंपल्सन। भाई मेरे अंदर ही दियोगे सब, हाँ तो मेरे अंदर ही दियोगे तो फिर फाइनली आके इससे परमिशन लेंगे भाई ले लें कि ना लें, तो बोले मेरे से इंटरसेक्शन ले लो जो भी है सब सही है। इंटरसेक्शन लेने में अपने आप डिसीजन आ जाता है ना कि मैं कब कब हूँ, नहीं समझे। तो फर्स्ट यूनियन, सेकंड यूनियन, थर्ड यूनियन, फोर्थ यूनियन, फाइव और इन सब का इंटरसेक्शन बाबू के साथ विल गिव यू द फाइनल आंसर। मैं चाहता तो मैं इसको इसको, जब आप बड़े हो जाओगे तो इस वाले को और इस वाले को, सेकंड और फोर्थ को और थर्ड और फिफ्थ को एक साथ भी सॉल्व कर सकते थे। डी की तो कंडीशन लगाएगी सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहता तो करवा सकता था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको पहले ये चीज़ समझ में आए कि इन सब का मैंने यूनियन लिया और बाबूलाल के साथ इंटरसेक्शन लिया तो मेरे को आंसर मिला। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किन का तो यूनियन लेंगे किन का इंटरसेक्शन, अपने आप दिल से आवाज आनी चाहिए भाई इनमें से कुछ भी हो सकता है इसलिए यूनियन सही है। और वैसे भी अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करोगे अपने आप 5 मिल जाएगा आपको, अपने आप 5 मिल जाएगा। अगर आपने गलती से भी इनका सबका इंटरसेक्शन ले लिया ना तो 5 ही मिलने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई भी दो पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं हो सकती। ये कंडीशंस थोड़ी हैं, ये कंडीशंस नहीं है भाई, ये पॉसिबिलिटीज हैं। एम ग्रेटर देन 0 के केस में मैं इतने टोटल ग्राफ बना सकता हूँ, हाँ ये तो पॉसिबिलिटीज है कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड कितने तरह के ग्राफ बन सकते हैं, तरह तरह मतलब पॉसिबिलिटीज, कंपल्शन थोड़ी है। ये सब कंडीशन है इस ग्राफ की, इस ग्राफ से एसोसिएटेड कंडीशन है। नहीं मैं सुन ही नहीं रहा, बाद में बात करी जाएगी। इसका आंसर निकालना है तो आप अपन मैच करा सकते हैं, अभी निकल जाएगा वैसे तो है नहीं, अभी निकल जाएगा आंसर, कर रहे हो क्या? चलो स्पीड टेस्ट है अच्छा हाँ ठीक है, नहीं मेरा तो अभी आ जाएगा आंसर। नहीं अपन इसको भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आता है इससे उस वाले तरीके से, लाइफ बियॉन्ड एलओआर यूं आंसर आता है, बस ये आंसर ऐसे ऐसे आंसर ही आ जाएगा, बस खत्म फिनिश। मंकी होगा ना, अलग क्यों नहीं होगा, मंकी तो सब में अलग होता है भाई। मंकी जब तक मंकी की क्वाड्रेटिक नहीं बन रही ना तब तक सब में अलग होता है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लाइफ बियॉन्ड एलओआर से नहीं कर सकते जिसमें साला जो निकलाना है उसकी भी क्वाड्रेटिक बन रही हो, वो जब तक एज लॉन्ग एज द वेरिएबल विच वी वांट इज लीनियर इन द क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इट बाय लाइफ बियॉन्ड एलओआर, तभी तो उसे एक साइड ला सकते हैं ना भाई। अरे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, एक साइड कहाँ से लाओगे, तो निपट जाओगे ना फिर तो।
क्योंकि वो y इज इक्वल टू a की लाइन तो सिर्फ हॉरिजेंटल ऐसी बननी चाहिए बस, वो तभी बनेगी जब वो लीनियर है। तो इसमें ये मंकी बार आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री से। इसमें क्या है, जिस दिन मैं इसे प्लॉट करने के काबिल बन जाऊंगा ना इसे, उस दिन मैं इस क्वेश्चन को लाइफ बियॉन्ड एलओआर से कर सकता हूँ। बस इसको प्लॉट किया और आंसर आ गया।